बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर नाज, आज MS सक्सेस का लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेबल। ठीक है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू कॉलम्स कॉल्ड फील्ड एंड रोज कॉल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली टेबल हमारे पास हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। हमारे पास टेबल कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये बेसिकली हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम कॉलम्स को फील्ड कहते हैं और रोज को हम रिकॉर्ड कहेंगे। यहाँ पे जैसे अभी ये मेरे पास फील्ड में रोल नंबर फील्ड है, स्टूडेंट नेम की फील्ड है, फादर्स नेम है और कोर्स आईडी की फील्ड है। ठीक है ना, ये हमारे पास ये कॉलम्स और ये हमारे पास रोज हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब बेसिकली हम जब भी RDBMS के अंदर काम करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में हम काम करेंगे, तो हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। हम टेबल बनाएंगे तब हम आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब MS Access के अंदर बेसिकली टेबल के दो व्यूज हैं। टेबल व्यू अवेलेबल इन MS Access। एक्सेस के अंदर दो व्यूज हैं कि आप हम अपने टेबल को दो व्यू से जो है वो देख सकते हैं। द टेबल व्यू इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द टेबल। ठीक है, कि आप टेबल को कैसे देखना चाह रहे हैं। MS Access प्रोवाइड टू टेबल व्यूज दैट आर डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। बेसिकली एक्सेस के अंदर आपके पास दो व्यूज हैं, एक डिजाइन व्यू है और दूसरा डेटा शीट व्यू है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजाइन व्यू को। The table view that is used to design the structure of table is called design view. It is used to specify name, data types and description of fields. Primary key is also specified in this view. The structure of an existing table can also be changed in design view. Basically, table ka structure design karne ke liye design view ko istemal karte hain. To humne kaha ki डिजाइन व्यू इज यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जो आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए हम बेसिकली डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड। इसी में डिजाइन व्यू के अंदर ही आप फील्ड के नेम डिफाइन करते हैं, जो डेटा टाइप्स जिस फील्ड को आपने अलॉट करना है हम वो डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे और हम अपनी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है फील्ड की हम डिस्क्रिप्शन भी डिजाइन व्यू के अंदर ही डिफाइन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमने अपने टेबल की किसी भी फील्ड को प्राइमरी की देनी है तो प्राइमरी की भी डिजाइन व्यू में ही डिफाइन की जाएगी। और कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज करना डिजाइन व्यू की मदद से किया जाएगा। ठीक है जी, तो दो व्यूज हैं जिसमें हमने सबसे पहले देखा डिजाइन व्यू जो कि टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता। ओके, दूसरा हमारे पास व्यू है डेटा शीट व्यू। द टेबल व्यू दैट इज यूज्ड टू एंटर, डिलीट और मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल इज कॉल्ड डेटा शीट व्यू। द टेबल इन दिस व्यू इज डिस्प्ले इन रोज एंड कॉलम। द नेम ऑफ ईच फील्ड इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज हेडर। ईच रो कंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड। द टेबल इज ओपन इन डेटा शीट व्यू टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा in the table. These operations including adding, deleting, updating and searching data etc. अब आपने design view की मदद से table को design कर लिया तो data sheet view की मदद से हम उस table के अंदर data को enter कर सकते हैं, data को delete कर सकते हैं या modify कर सकते हैं। तो basically आपके पास जो data sheet view है वो आपके पास एक front end है जिसमें user डेटा इंटर, डिलीट और अपडेट कर सकता है। ठीक है जी, अब हम जो भी फील्ड डिजाइन व्यू में डिफाइन करते हैं तो डेटा शीट व्यू में हमारे पास वो टॉप पे शो होगा, जो हमारी फील्ड का नेम है वो हमारे पास टॉप पे शो होगा। और इसी तरह हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंटर, डिलीट या मॉडिफाई करेंगे डेटा शीट व्यू की मदद से। ठीक है जी, तो अब हम मूव कर जाते हैं MS Access की फाइल पे और वहाँ पे हम डेटा शीट व्यू की मदद से टेबल डिज़ाइन भी कर लेते हैं और डेटा शीट व्यू की मदद से हम डेटा को इंटर करेंगे और डिज़ाइन व्यू की मदद से टेबल को डिज़ाइन भी करेंगे।
तो सबसे पहले हम एमएस सक्सेस को चला लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, लाइक स्टूडेंट्स। मैंने डेटाबेस को नाम दिया स्टूडेंट्स और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट में एक टेबल मौजूद है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास कोई फील्ड लाइक आईडी के अलावा कोई फील्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो क्योंकि मैंने टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो मुझे इसके डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। अब अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम ऊपर टॉप पे देख लेते हैं व्यूज। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दो व्यूज है हमारे पास, एक डेटा शीट व्यू है और एक हमारे पास डिजाइन व्यू है। इसी तरह इस टेबल पे मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद भी मैं डिजाइन व्यू पे जा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं डेटा शीट व्यू पे मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ से भी डेटा डिजाइन व्यू के अंदर यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। अदरवाइज हम टेबल पे क्लिक करके रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल लिखा है, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम डिजाइन व्यू डेटा शीट व्यू, तो डेटा शीट व्यू के अंदर ऑलरेडी हम मौजूद हैं, तो डिजाइन व्यू पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम डिजाइन व्यू में जाना चाहें, हम किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मैंने डिजाइन व्यू पे क्लिक करा, तो हमें यहाँ पे टेबल का नाम डिफाइन करना है। लाइक यहाँ पे मैं std_info, मैंने टेबल का नाम दे दिया और मैं ओके प्रेस कर लूंगा। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये व्यू मेरे पास है डिजाइन व्यू, जिसमें मैं टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा। जिसमें हमने बात करी कि हम फील्ड को नाम देंगे, डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, प्राइमरी की लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर डेटा टाइप की फील्ड नेम यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देता हूँ, और डेटा टाइप यहाँ से मैं इसको लाइक यहाँ से जो डेटा टाइप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटा टाइप्स को भी डिस्कस किया, तो मैं ऑटो नंबर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं आके ऑटो नंबर दे देता हूँ। इसी तरह मुझे और फील्ड चाहिए जिसमें मुझे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ एडमिशन, और मैं यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो डेट एंड टाइम दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ फी, और इसको मैं डेटा टाइप यहाँ से करेंसी दे दूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक एड्रेस, डेटा टाइप में लॉन्ग टेक्स्ट दे दूंगा, मुमकिन है कि ये मोर देन 255 करेक्टर्स अबव हो, तो यहाँ पे डेटा टाइप में लॉन्ग टेक्स्ट दे दूंगा। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक फोन, और इसको मैं डेटा टाइप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर देता हूँ। हमने ये पहले ऑलरेडी बात करी कि जब भी आप जो डेटा टाइप लिखेंगे, तो हम उस फील्ड के अंदर वही डेटा पुट कर पाएंगे जो डेटा टाइप हमने डिफाइन करी। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली कुछ फील्ड डिफाइन की हैं, और यहाँ पे डेटा टाइप, अगर हम डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो हम इस फील्ड के बारे में लिख भी सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास था डिजाइन व्यू, जिसमें आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया। अब यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं, फाइल को बंद करते हैं, सेव पे यस क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट इन्फो का यहाँ पे, तो हम इस पर डबल क्लिक अगर कर देते हैं, अब ये व्यू मेरे पास है डेटा शीट व्यू, जिसमें मैं डेटा को एंटर कर पाऊंगा, और इसमें मैं किसी किस्म की मॉडिफिकेशन डेटा में करना चाहूँ तो मैं वो मॉडिफिकेशन भी डेटा में टेबल में कर सकूंगा। लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो मुझे फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिजाइन व्यू के अंदर, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर आप किसी फील्ड का साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप वो साइज चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली हमने कहा कि ये हमारा जो डेटा शीट व्यू है, ये बेसिकली हमारे पास फ्रंट एंड है, जिसमें हम कोई भी डेटा, लाइक मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई बाबर नाज, ठीक है, फादर नेम फजल हुसैन, ओके। डेट ऑफ एडमिशन, अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमने डेट एंड टाइम जो है वो डेटा टाइप दी है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कैलेंडर मौजूद है। तो लाइक डेट ऑफ एडमिशन में हम यहाँ पे कह देते हैं 8 अगस्त 2020। लाइक फी में हम लिख देते हैं, और हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी बात करी लास्ट लेक्चर्स के अंदर, जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ी, कि
कि जब हम करेंसी डेटा टाइप देंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, करेंसी डेटा टाइप के अंदर. ओके, लाइक मैं कहता हूँ 1500, ठीक है, तो हमने ये पुट करा. एड्रेस के अंदर मैं दे देता हूँ भाई KTS हरिपुर. ओके, और यहाँ पे लाइक हम फोन नंबर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है. ओके, तो अब हमने यहाँ पे बात करी, ये डेटा मैंने यहाँ पे पुट करा. मैं अब इसमें चेंजिंग कर पाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डेटा शीट व्यू में डिलीट भी कर पाऊंगा. एंटर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके बताया. इसी तरह हमने एक और बात करी कि जब हम जो फील्ड डिफाइन करेंगे, फील्ड की जो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, वही डेटा हम पुट कर पाएंगे. जैसा कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम के अंदर जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट दी है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर अल्फा टेक्स्ट भी लिखे जाएंगे, नंबर्स भी लिख सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर लिखे जा सकते हैं, ठीक है. तो मैं दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, लाइक उमैरनाज सन ऑफ फजल हुसैन, ठीक है जी. ओके, तो यहाँ पे हम आके डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे कर देते हैं, लाइक 9 अगस्त 2020. ओके, तो अब यहाँ पे मैंने करेंसी ली, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई करेक्टर्स, और मैं अगली फील्ड के अंदर डेटा पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्योंकि करेंसी के अंदर तो नंबर्स ही लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि डेटा टाइप जो हमारे पास क्या है, करेंसी है, तो इसके अंदर हम बेसिकली नंबर ही लिख पाएंगे, ठीक है जी. तो जब हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे तो ये डेटा को एक्सेप्ट करेगा. और यहाँ पे एड्रेस के अंदर हमने लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे टेक्स्ट अल्फाबेट नंबर्स हम कुछ भी लिख पाएंगे, ठीक है जी. और हम यहाँ पे कह देते हैं राइट हरिपुर. अब जो हमारी अगली फोन नंबर की डेटा टाइप थी, वहाँ पे हमने डिफाइन करा था डेटा टाइप नंबर, ठीक है. हमारी जो फोन की फील्ड है, फील्ड को हमने डेटा टाइप जो दी वो थी नंबर. और अब अगर मैं इसके अंदर अल्फाबेट लिखता हूँ तो देन मैं इसके अंदर भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि हमने नंबर डिफाइन किया, तो नंबर के अंदर हम नंबर ही लिख पाएंगे, ठीक है जी. तो इस तरह से बेसिकली आपने देखा कि हम डिज़ाइन व्यू की मदद से टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, और डेटा शीट व्यू की मदद से हम डेटा को पुट करते हैं, ठीक है. तो MS Access में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप टेबल बनाएं, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करें. क्यों? कि हम इसके बाद जो आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम उन पर काम करेंगे, जैसे कि फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट्स, तो उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास सबसे पहले टेबल का होना ज़रूरी है, ठीक है. तो टेबल हमारे पास होगा तो इससे आगे फर्दर हम काम करते रहेंगे, ठीक है.